साथ बात करने के लिए हैं राजेश कुमार जी, जो एक्टर हैं। आइए उनसे जानते हैं कि लखनऊ में आए हैं। सर, लखनऊ में तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। लखनऊ में आए हैं तो लखनऊ में कैसा लग रहा? बढ़िया है, तापमान थोड़ा गर्म है आज और अभी तो बस कार्यक्रम में पहुँचे ही हैं, तो एक दो घंटे के लिए हैं, फिर वापस आज चले जाएंगे जी। बट अभी पार्ट ऑफ दिस एजुकेशन, स्ट्रेस फ्री एजुकेशन का एक जो सेमिनार है, तो जस्ट बीइंग पार्ट ऑफ इट। सर, आजकल देखा जा रहा है कि वेब सीरीज और ये फिल्म में कैसे आप इसमें दोनों में तुलना करते हैं? वेब सीरीज कैसे आप देखते हैं? वेब सीरीज और मतलब कोई अलग मीडियम नहीं है, हाँ, बट ये है कि कहानी कहने का तरीका अलग है। कहानी कहने के तरीके में फ़र्क है कि एक 10 एपिसोड, 6 एपिसोड, 8 एपिसोड, इसमें कहानी कहना और अपने अनुसार कहना, प्लस बहुत ज़्यादा, कई बार क्या होता है कि हर बहुत सारे सीन का बहुत तरह का डिमांड होता है, तो वेब में थोड़ी सी वो लिबर्टी है कि क्रिएटिव लिबर्टी जिसको बोल सकते हैं, और कहानियाँ आजकल उसमें काफ़ी अच्छी आ रही हैं जो शायद टेलीविज़न पे लोग देखते या नहीं देखते, लेकिन वेब पे तो लोग डेफिनेटली अच्छी चीज़ें पसंद कर रहे हैं। सर, आजकल देखा जा रहा है कि जो विलेन का रोल है, अब कहीं ना कहीं वो जो है अभिनेता जो है हीरो खुद उस पिक्चर में विलेन का ही रोल अदा कर रहा है, इसके पीछे क्या आप देखते हैं? कोई कारण नहीं है, वो एक्टर है, एक्टर चाहे पॉजिटिव करे, नेगेटिव करे, कॉमेडी करे, वो एक्टर ही है। हमारे यहाँ वैसे देखा जा रहा था कि अच्छा विलेन कोई और करेगा, हीरो कोई और करेगा, विलेन को गंदा दिखना है, हीरो को सुंदर दिखना है। अब वो सारी चीज़ें हट गई हैं, अब आप सुंदर आदमी भी बुरी हरकतें कर सकता है, बुरा दिखने वाला आदमी भी सुंदर हरकतें कर सकता है, तो अब वो डिमार्केशन नहीं है। तो ये बहुत अच्छे डेवलपमेंट है कि आने वाले समय में एक एक्टर जो है वो हर तरह का रोल निभाए। सर, ये बताइए कि आपकी अब कौन सी फिल्में इस समय कर रहे हैं और कमिंग जो है कमिंग अप कौन सी फिल्में आने वाली हैं? फिल्म तो डेफिनेटली अभी कोई नहीं है, बट एक सीरियल है, एक फाइनाइट सीरीज किया है मैंने, वो अभी उसके बारे में इसलिए बात नहीं कर सकता हूँ बिकॉज अभी शूटिंग ख़त्म हुई है, लेकिन बहुत जल्द मेरे ख्याल से नवंबर दिसंबर में 50 एपिसोड का एक अच्छा कॉमेडी सीरियल है जो किया है, वो आएगा। सर, आपके जीवन में अभी तक जो है सबसे बेहतरीन एक्टिंग करने वाला एक्टर और या अभिनेत्री जो है आपको कौन सा लगा, कि आपको लगा कि जो है इनके साथ काम करने में जो है मज़ा आएगा? नहीं, कैसा? हर कोई ऐसा नहीं है जो बुरा था, या आप हर किसी के साथ एक्चुअली काम करना डेफिनेटली चाहेंगे, चाहे अमिताभ बच्चन जी हों, चाहे नवाज शरीफ जी हों, चाहे इरफान खान हों, ऐसे बहुत सारे, मतलब अब तो खैर बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स निकल के आ रहे हैं क्योंकि हर तरह की फिल्में बन रही हैं, हर तरह का वेब सीरीज़ बन रहा है, तो कोई अब व्यक्ति विशेष के बारे में कहना थोड़ा अजीब सा होगा। डेफिनेटली जो भी, जिनके साथ भी अच्छा काम करने को मिले, मज़ा आएगा उनके साथ। सर, देखा गया है कि पुरानी फिल्मों में जो बात थी, जो स्क्रिप्ट में बात थी, वो आज की फिल्मों में नहीं है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि एक अगर कोई फिल्म बन गई, एक स्क्रिप्ट बन गई, तो उसी पे 1, 2, 3 करके सीक्वेंस बनाकर जो है दर्शकों के सामने पेश किया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि अब वो उस तरीके के राइटर और जो है स्क्रिप्ट लिखने वाले लेखक नहीं बचे हैं? इसको मतलब इतना डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हर तरह की ऑडियंस है। आप 130 करोड़ की आबादी वाले देश में हैं, 130 करोड़ विचार हैं, तो एक ही विचार पूरे देश में नहीं फैल सकता है ना, तो हर तरह के हैं। कुछ लोगों को फ्रेंचाइज अच्छी चलती है, उस तरह की फिल्में जो जिस जॉनर में बना रहे हैं, अब जैसे हाउसफुल ही है या गोलमाल है, तो अब वो उसकी एक अपनी ऑडियंस है। एक ऑडियंस है आयुष्मान खुराना की जो आर्टिकल 15 भी देखती है और ड्रीम गर्ल भी देखती है, सो हर तरह के लोग हैं, तो हर तरह के लोग को हर तरह के लोग केटर कर रहे हैं एंटरटेनमेंट से। मतलब
टैग ऐसा कुछ नहीं लगा है कि पहले कहानियाँ अच्छी होती थी, अब कहानियाँ बुरी होती हैं। डेफिनेटली हर चीज़ का एवोल्यूशन चल रहा है। पहले हमारे पास मोबाइल नहीं था, आज मोबाइल पे इंटरव्यू हो रहा है, पहले पूरा सेटअप करना पड़ता था, तो अब ये भी सही है, वो भी सही था। ऐसा नहीं है कि पहले के जर्नलिस्ट अच्छे थे और अभी के जर्नलिस्ट बहुत बुरे हैं। सवालों का सिलसिला तो वही रहता है, सो आई थिंक कि इट्स द सेम एवरीवेयर। सर, अपने इस एक्टिंग के करियर में कौन सा आपके जीवन में जो है आपको आइडियल लगा, किसको आप आइडियल मानते हैं? हम किसी को आइडियल नहीं मानते हैं, बिकॉज ये बहुत ही वॉर है। एक्टिंग के क्षेत्र में जब आए होंगे तो कोई ना कोई, नहीं मैं किसी से ऑनेस्टली बताऊं, मैं किसी से प्रभावित होकर नहीं आया और ना ही मैं किसी को प्रभावित करना चाहता हूँ। ये वही मैंने बोला कि ये बहुत इंडिविजुअल बैटल है, ये बहुत इंडिविजुअल फील्ड है। वो ऐसा कर रहा है इसलिए मैं ऐसा करूँगा, ये ज़रूरी नहीं है। आई थिंक मेरी अपनी एक जगह होगी हॉल में, हर तरह के लोग हैं, आप देख ही रहे हैं, सबकी अपनी अपनी कुर्सी है। सर, थोड़ा सा टिपिकल सवाल है जी, मी टू पे क्या कुछ बोलना चाहेंगे? जिस तरीके से फिल्म तो खत्म भी हो गया, तो खत्म तो हो गया, लेकिन फिर भी वो बात चर्चा आई मी टू की, तो नहीं मतलब इसके बारे में क्या बोला जाए। टू इज इट्स ओन, जब तक चीज़ें प्रूव नहीं होती हैं तब तक किसी को गलत ठहराना भी सही नहीं रहेगा, बिकॉज हम लोग कोई जज थोड़ी हैं। और सोशल मीडिया जजमेंट बहुत इरिस्पॉन्सिबल वे होता है, और ये है कि नहीं है ये भी नहीं पता लोगों को। सिर्फ एलिगेशन लगा देने से, ऐसे रोड पे चलते हुए बहुत सारे लोग एलिगेशन भी लगाते हैं कि आप गंदी गाड़ी चला रहे हैं। जब गाड़ी ठुकती है तो हमेशा एक दूसरे को दोष दिया जाता है ना, कि भाई इन्होंने ख़राब गाड़ी चलाई कि इन्होंने ख़राब गाड़ी चलाई। सो आई इट्स वेरी ट्रिकी टू एंड मतलब मेरे हिसाब से तो मैं आई वोंट फील गुड अबाउट इट कि अगर ये एग्जिस्ट करता है तो नहीं होना चाहिए, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसको बेकार का इसको चर्चा में बनाए रखना शायद हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे इसके बारे में कोई चर्चा ही ना करें। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राजेश कुमार जी, जिनका साफ ये कहना था कि मी टू पे सवाल तो उठते रहेंगे, लेकिन निर्णायक भूमिका तभी होगी जब उसका कोई रिजल्ट आएगा, क्योंकि एलिगेशंस तो लगाते रहते हैं लोग। कैमरामैन विशाल के साथ मैं रामबाबू, टीवी इंडिया लाइव, लखनऊ।